नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपके सामने एक छोटी कहानी, शॉर्ट स्टोरी लेके आया हूँ, तो शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति जो बड़ा ही दुखी था, जो उसका मेन कारण था दुख का, वो था उसका धन संपत्ति ना होना। बाकी वैसे वो ठीक था, उसका आचरण व्यवहार सब ठीक था, लेकिन धन संपत्ति के कारण वो इतना दुखी था। और उसके अंदर एक कमी और थी, जो कि बीमारी ही कह सकते हैं जिसे, वो थी कि दूसरे के सुख को देखकर वो इतना दुखी हो जाता था कि मानो कि उसके ऊपर पहाड़ टूट गया हो। तो एक बार क्या होता है कि वो बड़ा दुखी अपने घर के बाहर बैठा होता है, तो तभी बाहर से एक महात्मा भिक्षु गुजरते हैं और वो देखते हैं कि बड़ा उदास सा व्यक्ति बैठा है, क्या हुआ। तो बोलता है, महाराज जी, मैं बड़ा ही दुखी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे यार मित्रों रिश्तेदारों के पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, गाड़ियाँ हैं, घर हैं, जमीन जायदाद सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो महात्मा बोलते हैं कि जो अगर तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो तुम खुश हो जाओगे। तो बोलता है, जी ज़रूर। तो महात्मा बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें तीन इच्छाएं पूर्ण करने की वो देता हूँ, वरदान देता हूँ, तुम जो चाहोगे वही हो जाएगा। तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो महात्मा उसके साथ साथ उसके ऊपर एक कंडीशन भी लगा देते हैं। वो बोलते हैं कि इससे क्या होगा, तुम्हें तो मिलेगा ही इन तीन वरदानों के साथ, जो तुम एक चीज़ मांगोगे तो तुम्हारे पड़ोसी को वो दो मिल जाएंगी। तो पहले तो बड़ा ही दुखी होता है कि मेरे कारण किसी दूसरे को कैसे अपना सुख मिल सकता है, ये तो ठीक नहीं है। तो फिर वो सोचता है, चलो बाद में देख लेंगे इसको, अभी तो अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो ती अपनी पहली इच्छा पूरी करता है और बोलता है कि एक मेरा बड़ा सा घर बन जाए, बंगला हो जाए मेरे पास। तो उसका बंगला तो हो जाता है, लेकिन उसके पड़ोसी के दो बंगले बन जाते हैं। तो वो देख के बड़ा ही परेशान होता है और देखता है कि मेरे कारण किसी दूसरे को सुख कैसे मिल सकता है, ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। तो फिर बड़ा परेशान हो जाता है वो। तो अपने मित्र के पास जाता है और बोलता है, यार मैं क्या करूँ, ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे कारण किसी दूसरे को, मैंने मांगा एक घर और मेरे पड़ोसी हैं जो, उसको दो मिल गए हैं। तो उसका मित्र भी उसी के जैसा, कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, उसका मित्र भी वैसे उसी प्रकार का प्राणी था, जो किसी दूसरे को सुख को देख के खुश नहीं होता था, या जलन, जेलसी जिसे कहते हैं, वो होती थी। तो बोलता है, चलो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम क्या करो, तुम्हारे पास अभी तो दो इच्छाएं और हैं मांगने की, पूर्ण करने की, तो तुम एक काम करो, दूसरी इच्छा ये मंगाओ कि मेरे घर के सामने दो कुएं हो जाएं। तो वो बोलता है, इससे क्या होगा। तो वो बोलता है, मांगो तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तो ठीक है। तो वो बोलता है कि मेरे पास दो कुएं हो जाएं। तो जैसे ही उसके पास दो कुएं आ जाते हैं उसके घर के सामने, तो उसके पड़ोसी के चार हो जाते हैं। तो फिर बड़ा परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो गया, घर भी मिल गया, पानी भी मिल गया। तो अपने मित्र के ऊपर भी बड़ा उसे गुस्सा आता है। तो अपने मित्र के पास जाता है और बोलता है, ये तुमने क्या करवा दिया, मेरे पास दो कुएं, उसके पास चार हो गए, उसके पास घर हो गए, पानी हो गया। तो बोलता है, चलो अब एक काम करो कि तुम अपनी तीसरी इच्छा ही मांगो कि मेरी एक आँख फूट जाए। तो बोलता है, ये क्या कर रहे हो, मैं तो अपना एक आँख से अपना देख नहीं पाऊँगा, एक आँख से ली जाएगी तो जीवन वैसे ही उथल पुथल हो जाएगा। तो बोलता है, तुम मांगो तो सही। तो वो बोलता है, ठीक है कि मेरी एक आँख फूट जाए। तो जैसे ही वो ये मांगता है कि मेरी एक आँख फूट जाए, तो पड़ोसी की दोनों आँखें फूट जाती हैं और वो पड़ोसी दोनों आँखों से अंधा होने के कारण कुएं में गिरकर मर जाता है। तो देखिए कैसे किस प्रकार के मनुष्य व्यक्ति होते हैं संसार में, कि अपने दुख में इतना दुखी नहीं है कि जितना कि दूसरे के सुख में दुखी हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी का भला नहीं कर सकते, तो बुरा ना करें बिल्कुल भी। हालांकि ये प्रकृति होती है, जिसे कि इंग्लिश में ह्यूमन नेचर जिसे कहते हैं, कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी सुख देखे, हालांकि सब खुश हो के उसे बोलते हैं कि बड़ा अच्छा लगा तुमने
इतनी तरक्की कर ली, तुम्हारे पास घर हो गया, ये हो गया, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं 0.1% बड़े उसे जलन ईर्ष्या महसूस होती है। तो ऐसा करने से बचें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, हमेशा जागरूक रहें, होश में जीवन बिताएं और जीवन को सरल बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार मैं आपके सामने कुछ नया लेके आऊँगा। तो धन्यवाद। ओम नमो नारायण।